आप सभी को नमस्कार दोस्तों। और इस समय मैं खड़ा हूँ ब्यास घाट या ब्यास चट्टी नामक जगह पर। और ये जगह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत धार्मिक महत्व से भी हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। तो ये जगह जो है, जो ब्यास घाट है, जो जगह वो यहाँ से थोड़ा सा आगे है, लेकिन ये नीचे आपको जो जगह दिखाई दे रही है ये एक संगम है। और ये संगम जो है, ये गंगा नदी है सामने हमारी, बहुत ही पवित्र नदी। और गंगा नदी से ये ऊपर से आ रही है गंगा नदी, और ये नीचे को उतरते हुए ये हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ जा रही है। और इसके साथ में ये नीचे आप देख रहे होंगे ये नदी है, ये एक इसको बोलते हैं नयार। ये जो नयार नदी है, ये नयार नदी यहाँ से निकलती हुई आ रही है और ये यहाँ पर आकर मिल जा रही है। ये पौड़ी गढ़वाल की एक महत्वपूर्ण नदी है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की नयार नदी। ये लगभग बीच में चलती है दूधातोली के जंगलों से निकलते हुए, और पौड़ी गढ़वाल के इसकी दो नदियां हैं, तो दोनों नदियां पूर्वी पश्चिमी नयार नदी और मिलती हैं, और फिर यहां पे ये गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो अपने आप में बहुत बेहतरीन जगह है। और आप यहां पे एक चीज़ और महसूस कर रहे होंगे कि ये जगह बिल्कुल शांत है, यहां पे कोई भी लगभग ना के बराबर लोग हैं। और ये अप्रैल का महीना है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन जगह है। और ऐसे लोग जो शांत और प्रकृति का नज़ारा लेना चाहते हैं और शांत जगह पे अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, इन लोगों के लिए अपने आप में बहुत बेहतरीन जगह है। तो आप आइए यहाँ, और आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ से बहुत शानदार अनुभव लेते हुए जाएंगे। और इसके बाद मैं यहाँ से नीचे उतर के और वहाँ नीचे कुछ उस जगह को शूट करूँगा और इस वीडियो में आगे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये जो ब्यास घाट और इसे ब्यास चट्टी भी कहा जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने बहती हुई हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी। और ये गंगा नदी का पानी ऊपर से आ रहा है देवप्रयाग की तरफ से, और ये पानी ये बहता हुआ ये देखिए ये जा रहा है नीचे को। और यहाँ पे आगे इस जगह पे फिर ये टर्न मारेगा, इधर को जाएगा, इस तरफ को जाएगा, और यहाँ पे ये शेप जो है इसको आप SSS शेप कह सकते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट 3-fold हो जाती है यहाँ पे इस जगह पे ये इतराती हुई ये नदी। और इस जगह पे ये एक छोटी सी नदी जिसको नयार कहा जाता है, ये इसका नयार नदी का ये पानी, ये कुछ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ इधर भी है इस तरफ। ये पानी जो है ये इसका पानी कुछ ज़्यादा रहता है, लेकिन अंडरग्राउंड शायद ज़्यादा बह रहा है तो ये पानी ऊपर कम दिखाई दे रहा है। और ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल इसका जो संगम क्षेत्र है, और ये नयार नदी का और गंगा नदी का संगम पे मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पे मैं 2 डुबकियाँ भी मार चुका हूँ। शानदार पानी है, बेहतरीन नज़ारे हैं और बड़ी सुकून देने वाली जगह है। तो ये जो नदी है नयार नदी इस तरफ से आती है वो सामने से, और ये सतपुली और इसके ऊपर दूधातुली के जंगलों से निकलती हैं पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदी। फिर ये सतपुली से आगे मिलती हैं दोनों, और फिर ये आगे आके यहाँ पे गंगा में मिल जाती हैं। तो ये ऊपर एक रास्ता है, ये सतपुली की तरफ से आ रहा है और ये आगे फिर देवप्रयाग की तरफ को जाता है। और आपको यदि ब्यास चट्टी तक या ब्यास घाट तक पहुँचना है तो आप देवप्रयाग से पौड़ी वाली रोड पर चलेंगे, और पौड़ी वाली रोड से फिर आप सतपुली वाली रोड पकड़ेंगे, तो ये 9 किलोमीटर नीचे उतर के आप ब्यास घाट पहुंच जाएंगे। तो अपने आप में बहुत ही शानदार जगह है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए कि जिनको शांति चाहिए, जिनको सुकून चाहिए, और उसके साथ में प्रकृति चाहिए और अध्यात्म चाहिए, तो उनके लिए इससे बेहतरीन जगह और क्या हो सकती है भला। तो आप आइए और देखिए इस जगह को, और यहाँ के सुखद अनुभव लेकर वापस जाइए। दोस्तों, संगम से वापस आते हुए ये नयार नदी और सामने
ये गंगा नदी है और अब मैं इसको पार करूँगा पानी के साथ में। बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं है लेकिन इसमें पत्थर जो है बहुत फिसलन वाले हैं, तो ये फिसलने का डर है इसमें, तो इस पर चलूँगा। और बस इसमें चलते हुए एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आपको जो पाँव रखना है वो जमा के रखना है, ताकि पहला पाँव आप जमा लीजिए पानी में और फिर उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि आप यदि पाँव फिसला तो आप पाँव पानी में गिर पड़ेंगे। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके पानी में जो है पाँव, और ज़्यादा उठाइए मत पाँव को, क्योंकि आप ज़्यादा उठाएंगे तो पानी का बहाव इसको अपने साथ ले जाएगा, आपको बहाने की कोशिश करेगा। इसका तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आप कभी इस तरह से कोई नदी को पार कर रहे हों तो एक पाँव को बिल्कुल जमाइए और दूसरे पाँव को ज़्यादा मत उठाइए, आप बिल्कुल हल्का सा उठाइए और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। तो इस तरह से मैंने ये नयार जो नदी है इसको पार कर लिया है और अब मैं ये दूसरी छोर आ गया हूँ। अब ये नदी ये जो मैंने पार की है तो बहुत बढ़िया पानी है इसका, बिल्कुल साफ पानी, और ये इतराती हुई इतलाती हुई अपने आप को गंगा के सुपुर्द कर दे रही है। दोस्तों इस समय मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, यहाँ से वो सामने संगम नयार नदी और गंगा जी का, और ये सामने ये जो जगह है ये है ब्यास चट्टी, ब्यास घाट। तो यहाँ पर किसी ज़माने में जब लोग पैदल चला करते थे तो यहाँ पे चट्टियाँ, मैंने यहाँ पे जो रात्रि विश्राम की जो व्यवस्था होती थी यहाँ पे रुकने का होता था और लोग यहाँ पे रुका करते थे। और इसके अलावा जो यहाँ से ये जो रास्ता है ये आगे को जो चलता जाता है ये पैदल रास्ता हुआ करता था, जिसमें अब ये मोटर रोड बन गई है और ये आगे को ये रोड आगे को चली जाएगी ऐसे, और ये चलती चली जाएगी और ये नदी के किनारे 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 ये पूरा ट्रैक जो केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए निकलता था। यहाँ पे आगे आगे सीता माता का एक मंदिर भी है और कहा जाता है कि सीता माता यहाँ पे आई हैं और रही हैं, तो ये धार्मिक मान्यताएं हैं। और इसके साथ में ये बहती हुई ये जो गंगा नदी है अपने आप में बहुत बेहतरीन लगती है, बहुत शानदार लगती है और बहुत बेहतरीन दृश्य दिखाते हुए इतलाती हुई इतराती हुई नीचे पहाड़ों से निकल के नीचे मैदान में उतरती है। तो इस जगह की को एक बार ज़रूर घूमना चाहिए, ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए और इन नज़ारों के जो है आपको दर्शन करने चाहिए। थैंक यू, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि हाँ तो आप इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।